बॉलीवुड रैपर बादशाह के गाने YouTube पर आते ही ट्रेंड करने लगते हैं। लेकिन हाल ही में इस बार उन्हें भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह अपने शानदार होली सॉन्ग से जमकर टक्कर दे रहे हैं। लेकिन किस मामले में भोजपुरी का बिहारी बाबू दे रहा है बॉलीवुड के तगड़े रैपर बादशाह को टक्कर, वो बताने से पहले दोनों के गर्दा उड़ा देने वाले गानों की बात कह लेते हैं। 12 फरवरी को बादशाह ने अपने एल्बम सॉन्ग जिसका टाइटल है टॉप टक्कर रिलीज किया था। गाने में रैपर बादशाह के अलावा नेशनल क्रश रश्मिका और युवान शंकर राजा भी हैं। गाने ने यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया हर तरफ एक कमाल का क्रेज बना दिया है। यहाँ तक कि इस समय ये गाना यूट्यूब पर ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 7 के पायदान पर भी विराजमान है। लेकिन बावजूद इसके भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का गाना व्यूज के मामले में जोरदार टक्कर देकर बना रहा है एक नया और बेहतरीन रिकॉर्ड। दरअसल दोनों गाने एक ही दिन रिलीज हुए, मगर महज 3 घंटों में पवन सिंह का होली सॉन्ग 2 मिलियन के शानदार रिकॉर्ड्स के साथ खड़ा था। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि इतने कम वक्त में ऐसे व्यूज का रिकॉर्ड बादशाह का गाना भी नहीं बना पाया था। पवन सिंह के गाने के व्यूज के आंकड़ों की बात करें तो 6 घंटे में 4 मिलियन व्यूज, 8 घंटों में 6 मिलियन व्यूज, 14 घंटों में 9 मिलियन व्यूज YouTube पर इसने पार कर लिए थे। और अब ये गाना 14 मिलियन प्लस व्यूज के साथ अपने भोजपुरी इंडस्ट्री का परचम लहरा रहा है। यकीन है भोजपुरी से किसी गाने का इस तरह का रिकॉर्ड बनाना अपने आप में ही कमाल की बात है। वहीं अगर बात करें रैपर बादशाह के ट्रेंडिंग सॉन्ग की तो ये अब YouTube पर 22 मिलियन यानी 22 मिलियन प्लस व्यूज के साथ खड़ा है। भले ही ट्रेंड और व्यूज के मामले में बादशाह का गाना आगे चल रहा हो, लेकिन रिलीज के 3 घंटों में भोजपुरी सिंगर के किसी स्टार ने अपने गाने से रिकॉर्ड बनाकर बॉलीवुड के सिंगर को एक टक्कर तो दी है। वहीं कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए फख्र की बात भी है। फिलहाल पूर्वांचल की जनता इंतजार कर रही है पवन सिंह के दूसरे होली सॉन्ग का, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस डिंपल सिंह भी नजर आने वाली है। ट्रेंडिंग स्टार के फैंस, उनकी इस जबरदस्त कामयाबी पर आपका क्या है कहना, जरूर दीजिएगा अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।